हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 4 कराऊंगा, जिसमें कि मैं आपको डिसऑनेस्ट शॉपकीपर पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो कराऊंगा। अगर आपने अब तक प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो पार्ट देखें, वरना आपको पार्ट 4 समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइप से। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, अ शॉपकीपर सेल्स आर्टिकल एट कॉस्ट प्राइस, बट ही यूजेस 900 ग्राम वेट इन प्लेस ऑफ 1000 ग्राम। इसमें बोला गया है कि एक शॉपकीपर है, वो अपने आर्टिकल को कॉस्ट प्राइस पे ही बेच रहा है, लेकिन वो चीटिंग कर रहा है, उसको वेट में चीटिंग कर रहा है वो। जैसे उसको वेट करना चाहिए 1000 ग्राम और वो कर रहा है 900 ग्राम, यानी जो उन्होंने चीटिंग करी है, जो ने चीट करा है वो ही उसका प्रॉफिट है। और यहाँ पर उसने चीट करा है, 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम यूज़ करा है, तो इसका मतलब उसने 100 ग्राम चीट करा है, यानी उसका प्रॉफिट हो गया 100 ग्राम। ठीक, इसमें अगर हम प्रॉफिट, हमसे क्वेश्चन में पूछा प्रॉफिट परसेंट फाइंड कीजिए, तो अगर से प्रॉफिट पूछा होता तो हम बता देते कि 100 ग्राम कि प्राइस के बराबर का प्रॉफिट हुआ है उसको, लेकिन हमसे पूछा है प्रॉफिट परसेंट। तो इसमें प्रॉफिट परसेंट हम कैलकुलेट करेंगे, वो जाएगा प्रॉफिट ओवर सीपी इनटू 100 होता है, लेकिन यहाँ पे वेट के अकॉर्डिंग हम प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम 1000 ग्राम वेट नहीं लेंगे इसके बेस में, हम यहाँ पे 900 ग्राम लेंगे वेट, ठीक, और इनटू कर देंगे 100, जो कि आ जाएगा प्रॉफिट है 100 ग्राम डिवाइडेड बाय 900 इंटू 100, तो आ जाएगा 100/9, यानी 11.1/9% का उसको प्रॉफिट हुआ है। बस इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो इन प्लेस ऑफ 1000 ग्राम जो था, इसका यूज़ हमने सिर्फ प्रॉफिट कैलकुलेट करने में करा, उसके बाद इसका कोई यूज़ नहीं है। हम जब भी प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो जो उसने वेट यूज करा है हम उसको ही हमेशा लेंगे, जो प्लेस में जिसके यूज करा था उसको नहीं लेंगे। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट टाइप। ये टाइप भी काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड काफी क्वेश्चंस आते हैं। इसमें हमें बोला गया है कि अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% एंड यूजेज अ वेट विच इज 100% लेस, 25% लेस, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। लास्ट क्वेश्चन में था कि शॉपकीपर ने जो आर्टिकल था वो कॉस्ट प्राइस पे बेच दिया था, लेकिन इसमें वो 20% प्रॉफिट भी कमा रहा है बेचते हुए, और वेट में भी वो 25% की चीटिंग कर रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं प्रॉफिट जो है वो 2 बार हुआ है, एक तो 20% का और दूसरा चीटिंग वाला जो था, चीटिंग वाला। तो ये हो गया 20% प्लस 25%, यानी टोटल प्रॉफिट उसको 45% हुआ है, ठीक। लेकिन अगर हम प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करें तो वो कुछ और हो जाएगा, जैसे कि उसने 25% लेस बेचा था, यानी अगर 100 क्वांटिटी थी तो उसने बेचा है सिर्फ 75, बेचना था उसको 100 और बेचा है उसने 75, तो प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा प्रॉफिट ओवर जितना उसने बेचा है, 75 × 100, या जाएगा 3/4/15, यानी उसको ओवरऑल प्रॉफिट जो हुआ है, ओवरऑल प्रॉफिट जो हुआ है वो हुआ है 15/4/60%। ये हमारा आंसर है। तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट टाइप, जो कि क्वेश्चन थर्ड। इस क्वेश्चन में हमें बोला है अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 5%, यानी हमें पहले बता दिया कि लॉस पे बेचा उसने 5% के, बट ही यूजेस अ वेट विच इज 24% लेस, देन फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। इसने हमें पहले ही बता दिया कि उसने लॉस में बेचा है, ठीक, लेकिन उसने वेट जो है वो 24% लेस दिया है, मतलब जितना कस्टमर ने मांगा था उसको उसने 24% लेस दिया है।
तो इसमें अगर हम ओवरऑल प्रॉफिट निकालें, ओवरऑल प्रॉफिट, तो वो हो जाएगा, पहले तो उसने 5% के लॉस पे बेचा, प्लस ये जो 24% लेस बेचा है उसने, ये इसका प्रॉफिट है 24%। तो ओवरऑल प्रॉफिट हो गया 24 माइनस 5, यानी 19% उसको प्रॉफिट हुआ है। लेकिन अगर हम प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करें कि कितना हुआ है उसको टोटल, तो वो आ जाएगा, जैसे कि 100 बेचना था उसको, ठीक, और बेचा उसने 100 माइनस 24, 76, 76 बेचा है, ये तो उसको देना था, लेकिन उसने चीटिंग करी और उसने दिया 76%। तो प्रॉफिट जो कैलकुलेट होएगा वो 76% पे कैलकुलेट होएगा, जो कि आ जाएगा ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट 19 डिवाइडेड बाय 76 इंटू 100, 1 जा 4 जा 25% उसको ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है। इसमें बस ध्यान में रखने वाली बात यह है कि हमें जो बेस में जो लेना है वो हमेशा वो लेना है जो उसने दिया है, ना कि वो जो उसने नहीं दिया। तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%, बट ही यूजेस 920 ग्राम वेट इन प्लेस ऑफ 1000 ग्राम, फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो उसने वेट में जो चीटिंग करी है, जो उसने 920 ग्राम वेट दिया है 1000 ग्राम की जगह, तो उसने अगर हम उसको परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो उसने कितनी गड़बड़ करी है, तो वो आ जाएगा 1000 ग्राम माइनस 920 ग्राम, तो ये आ गया उसने 80 ग्राम की चीटिंग करी है। तो 80 ग्राम को अगर हम कैलकुलेट करें कि कितने परसेंट चीटिंग करी है उसने, क्योंकि हमें वेट को जो है परसेंटेज में चेंज करना पड़ेगा, तो वो आ जाएगा 80 ग्राम ओवर 1000 इंटू 100, तो उसने 8% चीटिंग करी है वेट मेजर में, जो उसको वेट देना चाहिए था उसने उसको 8% कम दिया है, और ऑलरेडी वो पहले 15% प्रॉफिट कमा रहा है, तो प्लस 15% हो जाएगा, तो 23% उसने प्रॉफिट कमाया है। लेकिन जो ओवरऑल प्रॉफिट जो आएगा, ओवरऑल प्रॉफिट जो आएगा वो हम कैलकुलेट करेंगे जो उसने क्वांटिटी कस्टमर को दी है उस पे कैलकुलेट होगी, इसका 1000 ग्राम का अब कोई रोल नहीं रह गया है। ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा 23% प्रॉफिट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी जो उसने दी है इंटू 100, 1 जा 4 जा 25, तो ओवरऑल प्रॉफिट आ गया 25%। बस इसमें ध्यान में रखने वाली बात यह है, सभी क्वेश्चन जो मैंने चार टाइप कराए हैं, कि जो उसने क्वांटिटी कस्टमर को दी है उस पे ही प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे, ना कि उस पे जो कि ये है जो ओरिजिनल क्वांटिटी थी उस पे कोई प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं होएगा। बस उसका रोल जब ही तक है जब हमें सिर्फ इनिशियल प्रॉफिट निकालना हो, और जब ओवरऑल प्रॉफिट निकालेंगे हम तो उसमें वो ही यूज़ करेंगे जो उसने शॉपकीपर ने कस्टमर को दी है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कोई सजेशन हो तो कमेंट कीजिए, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।